वेलकम बैक दोस्तों, नवा अनदर वीडियो, दिस इज द ब्रोवुड। हम जब भी किसी हॉलीवुड मूवी को देखते हैं तो हमारा ज़्यादातर ध्यान उस मूवी का VFX ही ले जाता है। हॉलीवुड में कई ऐसी मूवीज हैं जो सिर्फ अपनी VFX के लिए ही पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, और इन फिल्मों को देखते हुए आप भी जरूर सोचते होंगे कि आखिर हमारे देश में सिर्फ सुपर VFX वाली मूवीज क्यों नहीं बनती। तो आपको बता दें कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में इंटरस्टेलर से लेकर अवतार, इन्फिनिटी वॉर से लेकर गेम ऑफ थ्रोन्स, ट्रांसफॉर्मर से लेकर न जाने कितनी हाई बजट VFX मूवीज को बनाने के पीछे इंडियन VFX आर्टिस्ट और इंडियन VFX स्टूडियो का बहुत बड़ा हाथ है। हाल ही में ऑस्कर विनिंग मूवी ड्यून को भी इंडियन VFX आर्टिस्ट के द्वारा ही बनाया गया था। इस फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट तो ये भी बोलते हैं कि बिना इंडियन आर्टिस्ट के मार्वल स्टूडियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इतने जल्दी जल्दी मूवीज को बना ही नहीं सकती। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने VFX के फील्ड में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अब इंडिया में अपना स्टूडियो लाना चाहती हैं। साल 2011 में इंडिया में VFX का बिजनेस सिर्फ $31 मिलियन का था, तो वहीं अगर आज की बात करें तो अब यही बिजनेस इंडिया में $73 मिलियन तक जा चुका है। यानी इंडिया VFX के मामले में विश्व गुरु बन गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे VFX के फील्ड में इंडिया दुनिया पे राज कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इन सब बातों को जानने से पहले ये पता कर लेते हैं कि VFX होता क्या है। जब भी कोई 3D आर्टिस्ट कोई 3D ऑब्जेक्ट या करेक्टर को ग्रीन स्क्रीन पे बनाता है तो उसे CGI कहते हैं। लेकिन अगर वही ग्रीन स्क्रीन CGI किसी सीन पे ऐड कर दिया जाए, वो भी वो ग्रीन स्क्रीन हटा के, तो उसे VFX या स्पेशल इफेक्ट कहते हैं। साथ ही उसी क्लिप में अगर कलर ग्रेडिंग या कुछ इनहेंस कर दिया जाए तो उसे भी VFX कहा जा सकता है। अब कुछ ऐसे रीजन के बारे में बात कर लेते हैं जिसके वजह से इंडिया वर्ल्ड वाइड VFX के मामले में दुनिया को लीड कर रहा है। नंबर 1, बेटर कम्युनिकेशन। यह चीज होने को तो बहुत बेसिक सी चीज लगती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बड़ा रीजन है इंडिया को टॉप पे लाने के लिए। आपको ये बात पता ही होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग इंडिया में ही पाए जाते हैं, और ज्यादातर VFX का काम हॉलीवुड में ही होता है जहाँ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश ही बोली जाती है। तो बेटर कम्युनिकेशन की वजह से मेकर्स इंडियन आर्टिस्ट को समझा पाते हैं कि असल में उनको मूवी में क्या क्या चाहिए, और इसी वजह से इंडिया चाइना और जापान जैसे विकसित देशों से इस फील्ड में हमेशा आगे रहेगा। नंबर 2, हार्डवर्किंग। अब इंडियन कितने हार्डवर्किंग होते हैं यह हमें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बचपन से ही हमें ऐसे ट्रेन किया जाता है कि हम अपने काम को फटाफट और पूरी मेहनत से करते हैं। इंडिया में आज भी लाखों लोग कंपनीज में 12 से 18 घंटे तक की जॉब कर रहे हैं। ऐसे में जब भी कोई हाई बजट मूवी बनती है तो उसमें टाइम की बहुत वैल्यू होती है। कभी कभी एक दिन का कोस्ट करोड़ों रुपए में होता है। ऐसे में मेकर्स को ऐसे आर्टिस्ट चाहिए होते हैं जो टाइम कन्वीनियंट हो और बहुत हार्ड वर्किंग हो, और ये दोनों ही चीज इंडियन आर्टिस्ट में मिलती है। तो मेहनत फॉरेन कंपनीज को दूसरा कारण बनाती है कि वो इंडिया में अपना काम दें। नंबर 3, चीप लेबर। कम बजट में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं यह चीज भी हमें बचपन से सिखाई जाती है, चाहे वो कम बजट में घर चलाना हो या और कुछ। इस चीज में तो इंडियन एक्सपर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मंगलयान के बारे में जरूरी पता होगा, जहां बड़े बड़े देशों में वही सैटेलाइट हजारों करोड़ों रुपए में बनाई, तो वहीं इंडिया ने यही काम 300 करोड़ से भी कम के बजट में कर दिया। और इतने बड़े बजट में मेकर्स को तो यही चाहिए कि उनका काम कम से कम बजट में हो जाए, ताकि वो मूवी से एक बड़ा प्रॉफिट कमा सके। यानी इंडिया बेस्ट क्वालिटी का काम बहुत ही कम रेट पे कर देती है, जिसे बड़े बड़े स्टूडियो हाउस भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर 4, टैलेंटेड आर्टिस्ट। अब इंडिया में कितना टैलेंट है यह पूरी दुनिया में साबित हो चुका है। साथ ही में इंडियंस में सॉफ्टवेयर को जल्दी समझने की कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज काफी तेज होती है। यानी इंडियंस किसी भी सॉफ्टवेयर को काफी जल्दी समझ लेते हैं और काफी इजिली हैंडल कर लेते हैं। अब किसी भी प्रोड्यूसर को हार्डवर्किंग, टैलेंटेड, इजिली कम्युनिकेबल और कम से कम रेट पर काम करने वाले VFX आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, और इन सभी पैरामीटर पर जो देश खड़ा होता है वो है इंडिया। इसीलिए हॉलीवुड वाले अपने ही देश के आर्टिस्ट को छोड़ के अपनी मूवी के लिए इंडियन VFX आर्टिस्ट को अपॉइंट करते हैं। रेड चिली VFX और मकुटा VFX इंडिया के दो ऐसे बड़ी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड लेवल पे इस काम को करती हैं। एग्जांपल के लिए रेड चिली VFX रावण जीरो जैसी टॉप फिल्मों के लिए VFX का काम कर चुकी है, और शायद आपको पता ही होगा कि यह कंपनी शाहरुख खान की है। और मुकुटा VFX ने बाहुबली जैसे फिल्मों के लिए VFX का काम किया है। सिर्फ VFX में ही नहीं, एनिमेशन इंडस्ट्री में भी इंडिया धीरे धीरे पकड़ जमा रहा है। ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, जिसने छोटा भीम जैसे कार्टून शो से शुरुआत की थी, वो आज दुनिया के कई एनिमेशन मूवीज को बना चुका है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ऐसी मूवीज नहीं बना सकता। बॉलीवुड में पोटेंशियल तो पूरा है, पर कहीं ना कहीं बजट एक मेन फैक्टर है जो ये करने से रोक लेती है। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया भी ऐसी मूवीज बना रहा है, जैसे रोबोट, रोबोट 2.0, रावण जीरो, बाहुबली। ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने शुरुआत तो करी है। अगर आपको इंडिया की टॉप VFX मूवीज के बारे में जानना है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आपके इंडियन VFX के बारे में क्या राय है हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।